औरैया में दिल्ली कोलकाता राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक ढाबे के पास मजदूरों से भरी टीसीएम में एक ट्रॉले ने टक्कर मार दी। हादसे में अब तक 24 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 22 लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। गंभीर हालत होने के कारण 15 लोगों को सैफई रेफर किया गया। जनपद के कोतवाली क्षेत्र के चिरुहुली के पास की घटना है। घटना की जानकारी मिलते ही जिला प्रशासन मौके पर पहुंचा। ट्रॉली में सभी प्रवासी मजदूर सवार थे। एक एक कर चूने में दबे शवों को निकाला जा रहा है। डीसीएम गाजियाबाद से 20 मजदूरों को लेकर मध्य प्रदेश के सागर जा रहा था, जबकि चूना लदा ट्रॉली राजस्थान से पश्चिम बंगाल के लिए चला था। इसमें करीब 70 मजदूर सवार थे। हादसे में मरने वालों में राहुल पुत्र विभूति निवासी गोपालपुर थाना पिंडा जोरा झारखंड, नंदकिशोर कनी लाल पिंडा जोरा झारखंड, केदारी यादव पुत्र मुन्ना यादव निवासी बारा चट्टी बिहार, अर्जुन यादव राजा गोस्वामी मिलन निवासी पश्चिम बंगाल, गोवर्धन पुत्र गोरांगो अजीत पुत्र अमित निवासी पश्चिम बंगाल, चंदन राजभर नकुल महतो सत्येंद्र निवासी बिहार, गणेश निवासी पुरुलिया पश्चिम बंगाल, उत्तम सुधीर निवासी गोपालपुर, डॉक्टर मेहती मुकेश सोमनाथ गोस्वामी आदि शामिल हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे का संज्ञान लेते हुए जान गंवाने वाले मजदूरों के परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि सभी घायलों को तुरंत चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए। इसके साथ ही उन्होंने कमिश्नर और आईजी कानपुर को घटना स्थल पर पहुंचकर जांच में जुटे हुए हैं। दुर्घटना के कारणों की तत्काल रिपोर्ट सीएम ने मांगी। सीएमओ चिकित्सा अधिकारी अर्चना श्रीवास्तव ने बताया कि 24 लोगों को मृत अवस्था में अस्पताल लाया गया। फिलहाल 22 लोग अस्पताल में भर्ती हैं और 15 लोगों को जो गंभीर रूप से घायल थे उन्हें सैफई पीजीआई में रेफर किया गया। जिला अस्पताल में एडीजी जयनारायण सिंह घायलों से हालचाल लेने पहुंचे। डीएम अभिषेक सिंह एसपी सुनीति बराबर घायलों की देखरेख में जुटी हैं। और अयोध्या से संवाददाता एसके यादव की रिपोर्ट। देखिए इस हादसे में 24 लोगों की अब तक मृत्यु हो चुकी है और 22 लोगों को सैफई मेडिकल कॉलेज रेफर करा गया है और 12 लोग जिला अस्पताल औरैया में इनका इलाज कराया जा रहा है। बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधा प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है और हम लोगों का पूरा प्रयास है कि जो लोग इंजर्ड हैं वो लोग सही सलामत अपने घर पहुँचे। जो लोग बचे हुए हैं उन लोगों को बसों के माध्यम से उनके घर पहुँचाने का इंतजाम किया जा रहा है। सभी लोगों के एड्रेस और टेलीफोन नंबर नोट करके उनके परिजनों को भी सूचना दी जा रही है। औरैया जिले का प्रशासन और पुलिस सुबह से ही राहत और बचाव के कार्य में लगी हुई है और हाईवे को पूरी तरह से खोल दिया गया है। हमारा यातायात पूरी तरह से चल रहा है। कितनी कैजुअल्टी है? 24 लोगों की इस घटना में अब तक मृत्यु हुई। सर अभी तक क्या किसी पर जो लोग मृत हो गए हैं क्या उनके किसी घर वालों से अपना संपर्क हो पाया है कि अभी किसी की बात नहीं हो पाई हो कि वो लोग कैसे पहुंचेंगे या लॉकडाउन है तो इसकी स्थिति को लेकर वो एकदम से अपना क्या कदम उठाएंगे और पुलिस प्रशासन क्या सहायता करेगा उनकी यहाँ तक पहुँचने बाहर आने जाने के लिए पास हो और उसके माध्यम से लोग पहुँच रहे हैं। इसमें प्रोसेस होता है काफ़ी टाइम लगता है। अगर कई लोग आते हैं एक साथ गाड़ी और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं इसको लेकर कैसे क्या मदद करेंगे? देखिए यहाँ पर एक जो भी लोग हैं वेस्ट बंगाल के हैं झारखंड के हैं हर साइड के लोग हैं और ये लोग राजस्थान और दिल्ली से चल करके यहाँ पर आ रहे थे और जहाँ तो हम लोग वहाँ के अधिकारियों से चर्चे हैं और हम लोग अगर जो लोग यहाँ आना चाहते हैं उनके परिजनों की बॉडी लेकर तो उनको पास तत्काल मुहैया कराएंगे। हाईवे तो आधा पौन घंटे के लिए देखिए इस हादसे में 24 लोगों की अब तक मृत्यु हो चुकी है और 22 लोगों को सैफई मेडिकल कॉलेज रेफर करा गया है और 12 लोग जिला अस्पताल औरैया में इनका इलाज कराया जा रहा है। बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधा प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है और हम लोगों का पूरा प्रयास है कि जो लोग इंजर्ड हैं वो लोग सही सलामत
अपने घर पहुंचे। जो लोग बचे हुए हैं उन लोगों को बसों के माध्यम से उनके घर पहुंचाने का इंतजाम किया जा रहा है। सभी लोगों के एड्रेस और टेलीफोन नंबर नोट करके उनके परिजनों को भी सूचना दी जा रही है। औरैया जिले का प्रशासन और पुलिस सुबह से ही राहत और बचाव के कार्य में लगी हुई है और हाईवे को पूरी तरह से खोल दिया गया है और अब यातायात पूरी तरह से चल रहा है। कितनी कैजुअल्टी है? 24 लोगों की इस घटना में अब तक मृत्यु हुई। सर अभी तक क्या किसी पर जो लोग मृत हो गए हैं क्या उनके किसी घर वालों से संपर्क हुआ है कि अभी किसी की बातचीत हो पाई हो कि वो लोग कैसे पहुंचेंगे? ये यार लॉकडाउन है तो इसको स्थिति को लेकर वो एकदम से अपना क्या कदम उठाएंगे और पुलिस प्रशासन क्या सहायता करेगा उनकी यहाँ तक पहुँचने बाहर आने जाने को लेकर पास और उसके माध्यम से लोग पहुँच रहे हैं? इसमें प्रोसेस होता है, काफी टाइम लगता है। अगर कई लोग आते हैं एक साथ गाड़ी और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, इसको लेकर कैसे क्या मदद करेंगे? यहाँ पर जो भी लोग हैं वेस्ट बंगाल के हैं, झारखंड के हैं, हर स्टेट के लोग हैं और ये लोग राजस्थान और दिल्ली से चल करके यहाँ पर आ रहे थे और जहाँ पर तो हम लोग वहाँ के अधिकारियों से चर्चे हैं और हम लोग जो लोग यहाँ आना चाहते हैं उनके परिजनों की बॉडी लेकर उनको पास तत्काल मुहैया कराया हाईवे तो आता है।